जामुन किसे नहीं ललचाती, लेकिन अक्सर लोग जामुन खाने के बाद बीज कहाँ फेंके इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन अब इस परेशानी का हल कृषि वैज्ञानिकों ने निकाल दी है जामुन की एक सीडलेस वैरायटी की खोज करके, और इस किस्म को अपनी मेहनत व सच्ची लगन से खेतों में उतारा है गुजरात के अमरेली जिले के डिटला गांव के रहने वाले हरीश भाई ने, जिन्होंने अपने 3.5 एकड़ खेतों में सीडलेस जामुन की बागवानी करके इस समय बंपर पैदावार लेकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। 3 एकड़ में जामुन है मेरे पास, और 10 साल के मेहनत के बाद हमको ये सफलता मिली है, और 10 साल के बाद जो जामुन है, बीज जामुन के अंदर बीज बिल्कुल नहीं है। हरीश भाई बताते हैं कि इस जामुन की खासियत ये है कि इसमें बीज नहीं होता, जामुन के फल में केवल गुदा होता है, और ये खाने में काफी मीठा होता है, जिसकी वजह से उनके बाग में बहुत दूर दूर से लोग मुंह मांगा दाम देकर जामुन खरीदने आ रहे हैं। लोग को बाहर से बहुत आते हैं, और गुजरात में हमें ये जामुन है वो फेमस है हमारा, और हमको सफलता भी अच्छी मिली है। और यहाँ जामुन देखने के लिए आया था कि यहाँ सीधनी जामुन बनते हैं, और मैं अपने खेत में वो इसे उगाना चाहता हूँ। हरीश भाई ने इस बाग को 10 साल पहले अपने खेतों में लगाया था, और पिछले 3 साल से इन जामुन के पौधों पर फल आ रहे हैं। हरीश भाई को इस साल आशा है कि वो अपने 3 एकड़ में लगे जामुन के बाग से 3 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से 9 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर लेंगे। की मार्केट भी हमें अच्छी मिलती है, और 1 एकड़ का हमारा कम से कम हमको मुनाफा मिलता है 3 लाख। हरीश भाई को सीडलेस जामुन की बागवानी से मिल रहे फायदे को देखकर दूर दूर से किसान इनकी जामुन की बागवानी को देखने आ रहे हैं, और उनसे इसके पौध भी खरीद रहे हैं। ऑर्डर के आधार पर हरीश भाई किसानों को जामुन के पौध उपलब्ध करवाते हैं। स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और मिठास भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं यहाँ 150 किलोमीटर दूर यहाँ आया हूँ इसका रोप लेने के लिए। जामुन की बागवानी में लागत नाम मात्र की होती है, और सिंचाई के लिए पानी की कम मात्रा की जरूरत होती है। हरीश भाई के मुताबिक खेतों के रखरखाव में बहुत कम खर्च आता है। वो दूसरे किसानों को सलाह देते हैं कि वो भी अपने खेतों में जामुन बागवानी कर और उससे अधिक पैदावार लेकर किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।